आपने चाट खा रही इससे पहले बड़ा खा रही फोन चार्जिंग ही नहीं रहती कभी भी 50% से ऊपर नहीं रहेगी जब भी देता हूँ 16%। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जफर। और आज है संडे और संडे वैसे तो हॉलीडे बट हॉलीडे नहीं, बहुत ही ज्यादा बिजी डे होता है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी वर्क पे और हाँ। करेगी रेस्ट कहाँ रेस्ट, जैसे इतने काम करने हैं इसे भी स्कूल के हाँ स्कूल के भी कुछ वर्क हो गए हैं और संडे को मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग भी करती हूँ और सोनू जी का बहुत ही बिजी वाला डे होता है। आज के दिन मेरा ज्यादा वर्क रहता है और दिखाते हैं फिर आज की रूटीन। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो चुका है, घर की क्लीनिंग भी हो गई है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में मैं क्या क्या बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ आज। और मैं चला गया इस थोड़ा सा रेस्ट करने, संडे बिजी डे। अभी सोनू जी को भी निकलना है अपने काम से, अपने शॉप, और मुझे भी तो आज कंटिन्यू वर्क है। आप भी रेस्ट कर लेना थोड़ा। हाँ आज थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। काम 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 काम, ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़ा आराम भी किया करो। देख सकते हो सोनू जी को, सोनू जी आपको कहीं और जगह नहीं मिला, मुझे यहाँ कंफर्टेबल लगा इसीलिए। आप सोनू जी फ्रिज के ऊपर रख के सैलेड काट रहे हैं, आपके लिए ये सैलेड और ये आपके लिए फल वगैरह काट रहा हूँ, बनाना वगैरह। क्या आप खाते नहीं हो ना, आपको जब तक नहीं बोलता हूँ तो इसीलिए आपके लिए ही कर रहा हूँ। सोनू जी मुझे काट के, मतलब मेरे लिए काट के रख देते हैं, फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद सैलेड वगैरह खा लेती हूँ और जब इच्छा होता है तो खा लेती हूँ। और सोनू जी कुछ जगह भी नहीं मिल रही, फ्रिज के ऊपर सोनू जी रख के काट रहे हैं, मुझे यहाँ ठीक लगा। लंच में है दाल चावल आलू की सूखी भुजिया अचार एंड सैलेड, बहुत ही सिंपल ही बनाया हुआ है बिकॉज सब्जी कुछ थी नहीं और सब्जियाँ तो हमारे साइड बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। बट मुझे इसी टाइप के खाने पसंद है। हाँ सोनू जी मुझे बोले कि कुछ सिंपल ही बना दो तो मैं दाल चावल एंड सैलेड वगैरह करके बना दी। तो मैं जा रहा हूँ अभी लंच करने जल्दी जल्दी और सिंपल खाना। और पता है गाइस हमारे टोमेटो और टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, 160 रुपए किलो। हाँ और बाकी सब्जी भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो अभी मैं वैसे भी लेट भी हो रहा था तो दाल चावल और आलू की भुजिया बना दिया, सोनू जी चल रहे हैं लंच करने। एकदम यम्मी टेस्टी है, क्या है चिकन सब्जी ये सब खा के थक गया, इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाने का इच्छा था। हाँ तो सिंपल खाना वैसे भी बेस्ट होता है। और सुनो जी नीचे भी बैठ के खा लिए, वैसे भी नीचे बैठ के खाना चाहिए, बिस्तर में नहीं खाना चाहिए। तो गाइस चलिए सुनो जी को लंच करने देते हैं और मैं तो अभी लंच नहीं करने वाली बिकॉज मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही और मुझे थोड़े से काम भी है, किचन वगैरह भी क्लीन करना है और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ तो मुझे नहाना भी है, उसके बाद मैं करूँगी लंच। और इनको जल्दी जल्दी निकलना था तो फटाफट से मैं लंच वगैरह रेडी की। चलिए गाइस फिर मैं मिलती हूँ फ्रेश वगैरह होने के बाद। कभी भी मैं कुछ भी काम के लिए सीलू का फ़ोन उठाता हूँ तो इसकी फ़ोन चार्जिंग ही नहीं रहती, कभी भी 50% से ऊपर नहीं रहेगी, जब भी देखता हूँ तो 16% 15% 20% क्योंकि चार्ज पे लगाते हैं और मैं तुरंत निकाल लेती हूँ। और ये 100% कब चार्ज होती है, जब मैं नाइट में लगा के छोड़ देता हूँ, ये सोई रहती है, मॉर्निंग में निकालती है तभी नहीं। और मेरे फ़ोन को चार्ज सिर्फ सोनू जी ही लगाते हैं ना, सोनू जी इतना यूज़ करती है ना ये फ़ोन को कि मतलब चार्जिंग ही नहीं रहता, और सोनू जी कभी लगने देता हूँ तभी, नहीं तो ये भी नहीं रहेगा, कभी कभी तो ऐसा होता है बंद हो जाए रहता है। पता है गाइस सुरुजी मुझे अभी बोल रहे हैं आपका फोन कभी 50% से ज्यादा चार्जिंग रहता है, बोल रहे हैं कभी नहीं रहता, कभी नहीं है। और अभी मैं करके देता हूँ, अगर नहीं करूँ तो कहीं बंद हो जाए फोन। और जब मेरा फोन बंद होता है तो मैं सुरुजी का फोन यूज कर लेती हूँ, ये छुपा देते हैं अपना फोन। हाँ और कभी चार्जिंग नहीं करेगी, मेरा फोन उठा के यूज करेगी। अभी भी जा रहा हूँ लगाने चार्जिंग। तो अभी आप देख सकते हैं सोनू जी अभी आते आते मेरे लिए फ्रूट लेके आया और ये मेरे लेके आया एप्पल और साथ में लाया मैंगो और ये एक न्यू फ्रूट आलू बुखारा। वैसे तो इसे मैंने कभी नहीं खाया बट फर्स्ट टाइम खाऊंगी, सोनू जी लेके आए हैं। आप लोगों में से कौन कौन ये वाली फ्रूट खाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देख सकते हो गाइस सोनू जी इतने सारे फ्रूट लेके आ गए और चलिए फिर इन सबको मैं वॉश करके रख देती हूँ। ये नाइट का टाइम और अभी मुझे डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने लिए बना ली हूँ ओट्स, ये मसाला ओट्स। तो अभी मैं मसाला ओट्स ही खाने वाली हूँ और सोनू जी के लिए मैं डिनर बना दी हूँ, सोनू जी डिनर कर लेंगे और मुझे तो ओट्स खाना था तो फिर मैं वही बना ली अपने लिए। तो यहाँ पर मेरा ओट्स बन के रेडी है, मसाला ओट्स। तो अब मैं चलती हूँ खाने, सोनू जी गए हैं फ्रेश होने और फिर मैं उनका डिनर वगैरह भी निकाल दूंगी। और आज तो मुझे डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तो मैं सोची कुछ तो खाना चाहिए तो हल्का फुल्का मैं फिर ये ओट्स बना ली अपने लिए थोड़ा सा,
एंड जितने भी फ्रूट्स वगैरह सोनू जी लेके आए थे सब कुछ मैं वॉश करके फ्रिज में डाल दी, बिकॉज जब भी फ्रूट्स वगैरह आता है तो तुरंत वॉश कर दो तो ठीक रहता है। सब कुछ मैं किचन का काम कंप्लीट करके फिर मैं अभी थोड़ा डिनर वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चुप खाने, पानी पूरी खाने, और हम लोग काफ़ी लेट नाइट आए हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट और बहुत तीखा। और अभी हम गाइस देख सकते हैं, अभी नाइट के 10 o'clock हो रहा है और अभी हम आए हैं बाहर घूमने। और पीछे गणेश तालाब है, आप देख सकते हो, एक तालाब जो हमने पहले वीडियो में डाल रखा है वो वाला। और अभी हम आए हैं चाट खाने, और आज हम न्यू जगह पे आए हैं, न्यू प्लेस पे सिलो को चाट खाने की रात में, नाइट में भी हमें चाट मजा ही आ जाता है। चलो गाइस जल्दी से चाट खा लेते हैं, उसके बाद आपसे। और अभी मैं पानी पूरी भी खाई हूँ, उसके बाद मैं चाट खा रही हूँ, उससे पहले बड़ा खाई थी। आज तुम्हें जंक फूड ही खाने का मन कर रहा है। चलो गाइस जल्दी से चाट खा लेते हैं, कैसी है टेस्ट? अभी तक टेस्ट ही नहीं करो, उसके बाद बताओ। यहाँ की वैसे भी चाट और बहुत ज़्यादा यम्मी रहती है और काफ़ी टेस्ट है, और ये न्यू प्लेस है तो जल्दी जल्दी खा लो, फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। छोले वाली चाट है, बहुत ही यम्मी लगती है, फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे हम दोनों। गाइस पता है, हम लोग सिर्फ नाइट में घूमने निकलते हैं 10 o'clock के बाद ही, और बहुत ही मज़ा आता है। अब आते तो शहर में भी कितनी ज़्यादा भीड़ है सिटी में, पर सारे लोग नाइट में ही निकलते हैं, कोई घर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। हाँ बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है हमारे साइड। चलिए गाइस।